आदाब है नाजरन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संक्रांत त्यौहार पर मकीनों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सरकी की वारदातें। मीरचल में वाकई अपार्टमेंट के चार फ्लैटों को सारिखीन ने बनाया निशाना। गैर रकमी लेन देन पर सर्विस चार्ज से हुकूमत दस्तबरदारी अख्तियार करे। तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत से किया मुतालिबा। बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पर नकद रकम और सामान उड़ाने वाला मुलजिम गोपालपुरम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। नकद रकम और दीगर अशिया की गई बरामद। कुलसुमपुरा में वाकई फर्नीचर गोदाम में आतिशजिदगी हादसा। आग के साथ उड़ाई गई पतंग से पेश आया हादसा। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुंबदान कुतुब शाही और दक्कन पार्क में जारी कामों का किया मुआयना। आगा खान फाउंडेशन की जानिब से किए जा रहे कामों की सिताइश। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट का इफ्तिताह मिला। बाद में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मस्कुरा ट्रस्ट महात्मा गांधी के बताए हुए असूलों पर कारबंद रहते हुए काम कर रहा है और हुकूमत ट्रस्ट का मुकम्मल तआवुन करेगी। इस मौके पर मरकजी वज़रा मनोहर पारिकर, वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी और दीगर कई शख्सियतें भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट का इफ्तिताह अमल में लाया और बताया कि ट्रस्ट का क्याम साल 2001 में अमल में आया और मस्कुरा ट्रस्ट महात्मा गांधी के बताए हुए असूलों पर कारबंद रहते हुए काम कर रहा है जिसका टीआरएस हुकूमत मुकम्मल तआवुन करेगी। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने पंचायतों को फरोग देने और ग्रामीण सतह की तरक्की के लिए जो सोच रखी थी उसकी तेलंगाना हुकूमत भी हामी है और ग्रामीण सतह की तरक्की की राह पर लाने के लिए हुकूमत के ये एक इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का मसला हो या बैंकों के जरिए खर्जात की फराहमी, हुकूमत संजीदगी के साथ इकदाम में मसरूफ है। इस मौके पर मरकजी वज़रा मनोहर पारिकर, वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय और रियासी वजीर महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वारी लोन इन इवन जो चाल सतोष दीप गार वेंकैया नायडू गार कूतुरु मन अंदर तेलुसु तंड्री अब्बे संस्कार आ संस्कार तो अम्मा राजकीय का సేవ చేద్దామనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పం తీసుకొని తన యొక్క సమయాన్ని అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి తన కుటుంబంతో పాటు సంఘం కూడా నా కుటుంబమే కదా ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశంతో 2001 లోనే ఈ ట్రస్ట్ను నెల్లూరు జిల్లాలో వెంకటాచలంలో నాయుడు గారి స్వగ్రామంలో నెలకొల్పారు. చిన్న మాట, స్వర్ణభాత్ ట్రస్ట్ ఈజ్ గైడెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ డిక్టమ్ దట్ ఇస్ బ్యాక్ టు విలేజెస్. భారతదేశం గ్రామాల్లోనే ఉంది అని చెప్పి ఇండియా లివ్స్ ఇన్ విలేజెస్ అని గాంధీ గారు తరచూ చెప్పేవారు. ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రజల్ని చైతన్యపరిచి వారికి అవసరమైన ఉద్దీపన స్టిములస్ అందించి వారిలో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసి ఉత్తమ పౌరులుగా వారిని నిలబెట్టాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ప్రారంభమైంది స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్. చాలా సంతోషం. అక్కడి నుంచి విజయవాడ, నేడు విజయవాడ హైదరాబాద్ చాప్టర్ను ఈ ట్రస్ట్ ప్రారంభించుకోవడం మంచి శుభసూచకం. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంత నిరుద్యోగులకి, యువకులకి, యువతులకి అందరికీ కూడా ఈ ట్రస్ట్ అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తుంది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు.
ఈ ట్రస్ట్ ఇంకా బాగా విజయం సాధించాలని సంపూర్ణంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. సందర్భం కాబట్టి ఒక మాట నాకు చెప్పాలనిపించింది. ఇందాక నేను పారికర్ గారిని అడిగాను, 85లో నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అరుణ్ శౌరి గారు, ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్, మెగసెస్ అవార్డీ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఒక ఆర్టికల్ రాశారు, భండార్కర్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైన కంట్రిబ్యూట్ చేశారు, తద్వారా మహారాష్ట్రలో ద్రాక్ష తోటలు ఏ విధంగా విరిగా పెంచుతున్నారనే ఒక అంశం చాలా చక్కగా రాశారు. ఆ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ ఉండేది కాదు. చాలా కష్టపడి నేను అరుణ్ శౌరి గారి నంబర్ తీసుకుని ఆ భండార్కర్ గారి అడ్రస్ అంతా కనుక్కుని 86వ సంవత్సరంలో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాను. 3 ప్రాంతాలు టార్గెట్గా పెట్టుకుని, మోహన్ దారియా గారు నడిపినటువంటి వన్ రాయ్ ట్రస్ట్ అనేది ఒకటి, అన్నా హజారే గారి గ్రామం రాలేగాన్ సిద్ధి అనేటువంటి గ్రామం, అట్లాగే వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో గోవా మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉండే భండార్కర్ గారి గ్రామం. ఆయన ఎంత గొప్ప ఆయన అంటే, భండార్కర్ గారు ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కంప్లీట్ చేసి కేంబ్రిడ్జ్లో వారికి రీసెర్చ్ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది, స్టూడెంట్షిప్ అంటే స్కాలర్షిప్ కూడా మంజూరవుతుంది. ఇలాగ ఒక సంవత్సరం కోసం వెళ్తున్నాం కదా, కొన్నాళ్ళ పాటు పేరెంట్స్తో గడుపుదామని చెప్పి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉండే తన ఊరికి వస్తాడు. చాలా పరిస్థితి బీభత్సంగా ఉంటుంది, రైతులంతా కూలీలుగా మారిపోయి ఉంటారు, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కాబట్టి బళ్ళున కురిసేటువంటి వర్షాలు, ఆ మట్టి అంతా కొట్టుకుపోయి రాకీ సాయిల్స్ కావటం, వ్యవసాయం క్షీణించిపోవటం, రైతాంగం అంత కూలీలుగా మారటం, చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి చూస్తాడు. ఇది ఇక్కడ నా ఊళ్ళోనే ఉందా, పక్క ఊళ్ళలో కూడా ఉందా అని చెప్పి బంధువుల ఊళ్ళకి, స్నేహితుల ఊళ్ళకి కూడా పెడతాడని ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అట్టే కనిపిస్తుంది. దాంతో బాగా ఏడుస్తాడు ఆవేశం, ఎమోషనలైజ్ అయిపోయి, నేను చిన్నప్పుడు ఎట్లా చూశాను ఈ ప్రాంతాన్ని, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అని ఏడ్చేసి ఒక సీరియస్ డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. ఇంకా చదువుకున్న చాలు, నేను లండన్ పోకూడదు, ఇక్కడ నేను పుట్టినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఉండి ఏదో చెయ్యాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఆయన టెరిఫిక్ రీసెర్చ్ను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతాంగం ఎట్లా వ్యవసాయం చేయవచ్చు అని ఒక రీసెర్చ్ కొనసాగిస్తారు. తన గురువులు, తన ప్రొఫెసర్లు, తన సహచర స్కాలర్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి చాలా ఇంటెన్సిఫైడ్ రీసెర్చ్ చేసి అద్భుతమైన ఫలితాలు సృష్టిస్తాడు. తత్ఫలితంగా బాల్కనీలో పెద్ద మామిడి చెట్టు పెంచుతాడు ఆయన, రియల్ మామిడి చెట్టు, బాల్కనీలో పెద్ద అరటి చెట్లు పెంచుతాడు. مرکزی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے حیدرآباد کے نواحی علاقے میں سورنا بھارت ٹرسٹ شاخ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بات قابل ستائش ہے کہ ٹرسٹ مرکز سے کسی بھی سطح کی امداد حاصل نہیں کرتا. وزیر دفاع نے جی ایم آر انتظامیہ کے اس ٹرسٹ سے وابستگی پر بھی اپنی مسرت کا اظہار کیا. وزیر دفاع نے وزیراعظم کی جانب سے سوچھ بھارت مہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام آہستہ آہستہ ملک کے عوام کا مشن بن جائے گا. ریاستی وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے یادادری میں بین الاقوامی پتنگ بازی فیسٹیول میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ آغا خان ٹرسٹ کی جانب سے یادادری میں پتنگ بازی کے بین الاقوامی فیسٹیول کے انعقاد سے ضلع کے عوام میں مسرت پائی جاتی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں ہر بڑا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ریاستی وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے 16 جنوری کو یادادری میں بین الاقوامی پتنگ بازی فیسٹیول میں شرکت کی اور بتایا کہ اس بین الاقوامی فیسٹیول میں تقریباً 17 ممالک حصہ لے رہے ہیں اور اس فیسٹیول کے انعقاد سے ضلع کی عوام میں کافی مسرت پائی جاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ بریالہ کی چندرشیکھر راؤ اور ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے ریاست میں ہر تہوار, چاہے وہ بتکمہ ہو یا پھر کرسمس یا پھر سنکرانتی اور دیگر تہوار, کو حکومت کی سرپرستی میں منا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ریاست کی عوام اور تمام مذاہب کے ماننے والوں میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے. کانگریس رکن خارن ساز کونسل پی سدھاکر ریڈی نے ریاست تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برقی مسئلے پر
कुल जमाती इजलास तलब करें। उन्होंने बताया कि बरखी बिलों में इजाफा या फिर किसी भी बरखी मसले पर कोई फैसला लेने से कबल तमाम जमातों की राय हासिल की जाए। कांग्रेस रुकन कानून साज कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने हैदराबाद तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह बरखी मसले पर, चाहे वह बरखी की खरीदी का हो या फिर बरखी बिलों में इजाफे का हो, इस सिलसिले में कुल जमात इजलास तलब करें और रियासत की तमाम सियासी जमातों के कायदीन के साथ मजाकिरात करें। उन्होंने हैदराबाद के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि बरखी मसले पर असम्बली के सरमा इजलास के दौरान जो बयान जारी कर चुके हैं वह जल्दबाजी में दिया गया बयान है, जिससे रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क्यादत में एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में कई कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। बादा साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मण ने बताया कि हुकूमत को चाहिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जो सर्विस चार्जेस आयद हो रहे हैं उससे दस्तबरदारी हासिल की जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी अपील की कि इस सिलसिले में इकदाम किए जाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क्यादत में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। बाद में साबिक वज़ीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि बड़े नोटों की मनसूखी के बाद रियासत को कैशलेस करने के इकदाम कर रही है, ताहम ट्रांजेक्शन के मौके पर जो सर्विस चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसे दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि वह मुल्क की आवाम से जो वादा कर चुके हैं कि अगर मरकज में बीजेपी बरसर इकतदार आती है तो बैरून ममालिक से काला धन वापस लाया जाएगा, उस वादे को फौरी तौर पर पूरा करें। सदर कुलीन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत के सर्जिकल हमले की कामयाबी के दावे को मुजीका खैज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का खैर मकदम किया गया था, लेकिन सर्जिकल हमले के बाद भी हिंदुस्तानी फौज के 27 बहादुर जवान मारे जा चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत ने पाकिस्तान को कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ बातें करना जानते हैं। दहशतगर्द सर्जिकल हमले के बारे में भी उन्होंने कहा कि सरहद में दाखिल होकर हमला किया जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है। के बेस में मेरे नौजवान भाइयों, पाकिस्तान से दहशतगर्द सरहद क्रॉस करके जम्मू शहर में आते हैं और जम्मू शहर को क्रॉस करके आर्मी के कैंप में घुसकर हमारे बहादुर सिपाहियों की जान ले लेते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार के पास कोई फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी नहीं है। इन आपके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिसका हमने खैर मुकदम किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की फौज के 27 बहादुर सिपाही मारे गए। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया? नगोरटा के आर्मी के बेस में मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तान से दहशतगर्द सरहद क्रॉस करके जम्मू शहर में आते हैं और जम्मू शहर को क्रॉस करके आर्मी के कैंप में घुसकर हमारे बहादुर सिपाहियों की जान ले लेते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार के पास कोई फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी यह है कि अफगानिस्तान से जब निकलते वक्त किसी ने कान में मोदी से कहा कि मोदी जी नवाज शरीफ के पास खाने की दावत है, तो मोदी ने कहा मैं भी पहुंच जाता हूं, कुछ खा लूंगा। लाहौर पहुंच गए, लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ के घर में शादी थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पहुंच गए। लाहौर की एयरपोर्ट पर जो टीवी के नजारे आप और हमने देखे, क्या देखा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर ऐसा झूम झूम के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसी एक बड़े मेले में जो भाई खो गए थे 25-30 साल के बाद ये लोग मिले थे। हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर चल रहे थे। पैसा लग रहा था कि देखो दो भाई मिल गए, मगर वो नवाज शरीफ अपनी शराफत दिखा दिए
और फिर हमारे आर्मी के कैंप में एयरफोर्स के बेस में दहशतगर्दों को भिजा दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ बातें करना जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम तो लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, मगर उसके बाद आज भी दहशतगर्द हमारी सरहदों को क्रॉस करके आके हमारे सिपाहियों पर हमला करते। हमारी मोदी सरकार के पास फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं है। 2.5 साल में हमने क्या देखा मेरे अजीज दोस्तों? ये वादा किए थे सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, मगर जब बात आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकृति किरदार की तो बीजेपी की सरकार मुकर गई। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मैं महात्मा गांधी को मानता हूं, मगर हिंदुस्तान की आवाम को 2.5 साल के बाद मालूम हुआ कि हमारे मिस्टर मोदी अब बापू मोदी बन गए, खुद चरखा लेकर बैठ गए कि अब मैं महात्मा बन गया हूं। आप अंदाजा लगाइए, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, बाबा खाऊ जिसको कहते हैं, उनकी तस्वीर के साथ हमेशा एक चरखा होता तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि नहीं मौका अच्छा है, मैं अब महात्मा गांधी को रिप्लेस कर दूंगा। हद तो ये हो गई कि बीजेपी के हरियाणा के एक मिनिस्टर ने कहा क्योंकि बापू के महात्मा गांधी के नाम से खादी का कपड़ा नहीं बिक रहा था, जब से मोदी का नाम लगा खादी का कपड़ा बिक रहा है, और यहां तक कह दिया कि अब हम नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर को निकाल देंगे। कल जब बड़ा जोर शोर हुआ तो उसके घंटे के बाद मंत्री जी का दिमाग ठिकाने आया, मोदी मोदी की मोहब्बत निकली और उनको ख्याल आया कि अगर ऐसा ही बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि फिर वो कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2.5 साल में बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। बीजेपी ने हिंदुस्तान की आवाम से वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 2.5 साल में 2.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरियां मिलना था। आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में मिली, जबकि इस मुल्क में 60% आबादी 35 साल की उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित हुए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुंबदाने खुतुब शाही और दक्कन पार्क में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। वाज़ रहे कि आगा खान फाउंडेशन की जानिब से गुंबदाने खुतुब शाही की तज़ीन नौ की जा रही है। मस्कुरा काम को हुकूमत की जानिब से आगा खान फाउंडेशन को सौंपा गया है। गुज़श्त हफ्ते ही आगा खान फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मजलिस हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और उन्हें अपने कामों का मुआयना करने की दावत दी थी। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली कौसर मुहीउद्दीन के अलावा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और आगा खान फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम कामों की तफसीलात हासिल की और आगा खान फाउंडेशन के कामों की उन्होंने सिफारिश भी की। आज सुबह 9 बजे से सात गुमस और दक्कन पार्क का हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब, जहां पर खुली कुतुब शाह और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जिम्मेदार और जीएचएमसी कमिश्नर पी जयानंद रेड्डी साहब और आगा खान ट्रस्ट के जो सीओ साहब हैं और उन्होंने भी इस मीटिंग में शामिल थे, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया जो सुप्रिटेंडेंट है और दीगर होदेदार भी आज की जो सुबह जनाब अकबरुद्दीन साहब के प्रोग्राम में शामिल थे। यहाँ पर जो तफसीली मुआयना किया गया जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने, और उनको जो सामने दक्कन पार्क का इलाका है उस पार्क के अंदर भी आगा खान ट्रस्ट की जानिब से डेवलपमेंट करने की
تفصیلات بتائے اور ساتھ ساتھ سعد گنبد سے گولکنڈہ قلعہ بالا حصار کے لیے وہاں کا ایک راستے کے لیے بھی بتایا پرپوزل دیا گیا اور جس کے بعد تمام عہدے داروں کی تفصیلات سننے کے بعد اکبر الدین صاحب قائد وائن اسمبلی انہوں نے بتایا کہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں رہے گا, آپ اس سعد گنبد قلعے کو اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی, آپ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے کریے. اور انہوں نے ایک دو تین پرپوزل بتایا, جیسا کہ سعد گنبد کے سامنے جو آرمی کا علاقہ ہے اس کو وہاں پر مارکیٹ, جیسا کہ باہر کے جو ٹورسٹ آتے ہیں جس طرح سے لال بازار دیگر علاقوں میں جا کر خریدتے ہیں, اسی طرح سے جو سعد گنبد یا قلعہ دیکھنے کے لیے آئے تو کہیں باہر نہ جائے, یہاں پر کمپلیکسز بنانے کے لیے اور اسی طرح سے جو پارکنگ کا جو دکن پارک کے اندر بنانا چاہ رہے اس کی وجہ سے انہوں وہاں پر سامنے جو آرمی کے علاقے کے اندر جو گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر میں ڈیفینس کی لینڈ ہے انہوں نے کمشنر صاحب کو اور دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو لیٹر لکھے اور اس دکن پارک سیون پارک سیون ٹرمز کے اندر میں لینے کی ہدایت دی اور انہوں نے تیقن دیا کہ ان شاء اللہ وہ جلد سے جلد گورنمنٹ آف انڈیا کو لیٹر لکھے گے. اور جہاں پر بھی جیسا کہ گولکنڈہ قلعہ ہزاروں لوگ آتے ہیں روز دیکھنے کے لیے اور اسی طرح سے گولکنڈہ قلعے کے ساتھ ساتھ سعد گنبد کو بھی آئے اور یہاں پر انشاءاللہ انہوں نے تیقن دیا کہ آغا خان ٹرسٹ کے جو ذمہ دار تھے اور انہوں نے تیقن دیا ایک دو سال کے اندر ان تمام سعد گنبد اور قلعے کے اندر جو بھی کام باقی ہے انشاءاللہ تمام کام کرے اور ہندوستان نہیں دنیا بھر کے اندر اتنا بڑا جہاں مونومنٹ ہے کہیں پر بھی نہیں دنیا کے اندر, یہاں پر 75 مونومنٹس ہے, صرف عوام کو یہ معلوم ہے سعد گنبد, مگر انہوں نے بتایا اکبر الدین اویسی صاحب کو یہاں پر 75 مونومنٹس ہے اور اس کو ورلڈ مونومنٹ کے تحت لینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے چیزیں ہیں, انشاءاللہ ایک دو سال کے اندر سعد گنبد یا قلعہ تمام جو بھی پینڈنگ کام انشاءاللہ تمام کے تمام بہت بڑا پروجیکٹ آنے جا رہا ہے. اسی طرح سے میں یہاں پر جیسا یہ سیون ٹرمس ہو یا گولکنڈہ قلعہ ہو اس کے بعد نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں پر ہندوستان نہیں دنیا بھر سے جو بھی آئیں گے قلعے کے ساتھ سعد گنبد کو بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے, جس کی وجہ سے یہاں پر ریونیو بھی بڑھ سکتا ہے. میں آپ کے ذریعے آفیسرس جتنے بھی آج صبح میں آفیسرس آئے ان تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں, ساتھ ساتھ آغا خان ٹرسٹ کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. میرجل کے علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ کے چار فلیٹس کو سارقین نے نشانہ بنایا اور سرقے کی وارداتیں انجام دی گئیں. سنکرانت تہوار ہونے کی وجہ سے کئی افراد اپنے آبائی مقام گئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے سارقین نے مکینوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ وارداتیں انجام دیں. پڑوسیوں نے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس کو اطلاع دی, تاہم مکینوں کی عدم موجودگی کے باعث سرقہ شدہ اشیاء کا تخمینہ لگایا نہیں جا سکا. متعلقہ پولیس نے مذکورہ سرقے کی وارداتوں کے سلسلے میں کیسوں کا اندراج کیا اور تحقیقات کا آغاز کیا. بس اسٹاپس اور ریلوے اسٹیشنز پر نقد رقم اور دیگر اشیاء اڑانے والے ایک ملزم کو گوپال پورم پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے 8,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء برآمد کر لیں. اے سی پی گوپال پورم ڈویژن نواس راؤ کے مطابق 20 سالہ رنبیر شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے, جو بس اسٹاپس اور ریلوے اسٹیشنز کے علاوہ دیگر مقامات پر چوری چکاری میں ملوث ہے. ضبط شدہ اشیاء کے ہمراہ سے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا. ఎవరైతే ఎవరైతే రిజర్వేషన్కి వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులైతే వాళ్ళ సూట్ కేసు ఏదైతే వీళ్ళు దొంగతనం చేశారో ఆ సూట్ కేసు ఇంటాక్ట్ గా వీళ్ళ ప్రెమిసెస్ లో మనకు దొరికింది. మీరందరూ మన ప్రయాణికులకి చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ఇట్లాంటి మోసగాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు తీసుకొని ఉన్నారు, మల్కాజ్గిరి ఏరియాలో రూమ్ తీసుకొని ఉన్నారు. రూమ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మనము నేరం జరిగి
జరిగిన తర్వాత దాన్ని చాలా సైంటిఫిక్ గా అనలైజ్ చేసి నేరస్తులను పట్టుకున్న. محکمہ انڈومنٹ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مہاکالی ٹیمپل واقع لال دروازہ میں انکوائری آفیسر ای او کا تقرر کیا گیا ہے. ای او پی مہندر ریڈی نے مندر پہنچ کر تمام غلوں کو مہر بند کیا اور مقفل کر دیا گیا. مندر کمیٹی نے انکوائری آفیسر کے اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مندر کے روبرو احتجاجی دھرنا بھی منظم کیا. چترینہ کا پولیس نے فوری طور پر مقام واقع پر پہنچ کر احتجاجیوں کو حراست میں لیا اور معاملے کو رفع دفع کیا گیا. پی مہندر نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے انہیں احکامات ملنے پر ہی انہوں نے کارروائی کی ہے. بعد انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی. آسمان گڑھ سب کنٹرول میں خدمات انجام دینے والے ایک الیکٹرک لائن مین 35 سالہ اچھیا کام کے دوران ہائی ٹینشن وائر کی زد میں آ گئے اور زخمی حالت میں انہیں دواخانہ منتقل کیا گیا. تفصیلات کے مطابق اچھیا سنتوش نگر اے سی پی ڈویژن آفس کے قریب برقی تاروں کے سلسلے میں کام کر رہے تھے کہ ہائی ٹینشن وائر سے شاک لگنے کی وجہ سے وہ پول سے گر پڑے. اطلاع ملتے ہی مجلسی ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ نے دواخانہ پہنچ کر حالات سے باقیفیت حاصل کی, جبکہ محکمہ برقی کے علاحداروں نے بھی اچھیا کے بارے میں جانکاری لی. کلثوم پورہ کے علاقے امام پورہ میں واقع ایک فرنیچر گودام میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق آگ لگا کر چھوڑنے والی پتنگ فرنیچر کے گودام میں آ گری, جس کی وجہ سے آتش زدگی کا حادثہ رونما ہوا. گودام سے متصل عمارت بھی آگ سے متاثر ہوئی, تاہم فرنیچر کے گودام میں فوم ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی. نقصان کا تخمینہ لگایا جانا باقی ہے, جبکہ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پایا. متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی. آج دیکھتے ہیں بریک کے بعد کی خبریں. ماسا فرینک میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں آتش زدگی کی وجہ سے عوام میں سنسنی دیکھی گئی. تفصیلات کے مطابق اپارٹمنٹ کے دوسرے فلور پر اچانک آگ بھڑک اٹھی, بلند شولوں کی وجہ سے سنسنی پھیلی. فائر بریگیڈ عملے نے مقام واقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چل نہیں پایا, تاہم پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ الیکٹرک شاک کی وجہ سے مذکورہ واقعہ پیش آیا ہوگا. اس سلسلے میں متعلقہ پولیس نے ضابطے کی کارروائی انجام دی. لنگر ہاؤس علاقے میں شراب پی کر دو گروپوں نے ہنگامہ آرائی کی اور لبے سڑک ہلچل مچائی گئی. تفصیلات کے مطابق لنگر ہاؤس کے قریب اچانک دو گروپ متضادم ہو گئے اور ایک دوسرے پر حملہ کیا گیا. دونوں گروپ نشے کی حالت میں نظر آئے. راہ چلنے والوں کو بھی سڑک پر اس طرح کی لڑائی سے خوف زدہ دیکھا گیا, تاہم متعلقہ پولیس کو اس سلسلے میں فوری طور پر اطلاع دی گئی, جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی. آندھرا پردیش تلگو دیشم رکن قانون ساز کونسل سومی ریڈی نے سنشین قانون ساز کونسل چکرا پانی سے ملاقات کی.
और अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने एक मेमोरेंडम उनके हवाले किया। उन्होंने सरनशीन को वाकिफ करवाया कि वायर जगन मोहन रेड्डी और उनके पार्टी कायदीन उनके खिलाफ झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं। इस मौके पर सीनियर तेलुगुदेशम कायद मुद्दू कृष्णम नायडू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता साइबर क्राइम पुलिस ने मगरबी बंगाल रियासत से एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया जो फोन के जरिए डेबिट कार्ड्स के नंबर लेते हुए रकम की मुंतकली गैर कानूनी तौर पर कर रहा था। कमिश्नर अच्छाकुंडा के मुताबिक मस्कूरा फर्द का ताल्लुक रियासत मगरबी बंगाल से बताया गया है जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस पाया गया है। अच्छाकुंडा कमिश्नरेट ही में मौसूल की गई शिकायत के बाद मस्कुरा कार्रवाई की गई। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। संक्रांत त्यौहार पर मकीनों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सरफे की वारदातें। मीरचल में वाकई अपार्टमेंट के चार फ्लैटों को सारिखीन ने बनाया निशाना। गैर रकमी लेन देन पर सर्विस चार्ज से हुकूमत दस्तबरदारी अख्तियार करे। तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत से किया मुतालिबा। बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पर नकद रकम और सामान उड़ाने वाला मुलजिम गोपालपुरम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। नकद रकम और दीगर अशिया की गई बरामद। कुलसुमपुरा में वाकई फर्नीचर गोदाम में आतिशजिदगी हादसा। आग के साथ उड़ाई गई पतंग से पेश आया हादसा। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुम्बदान खुतुब शाही और दक्कन पार्क में जारी कामों का किया मुआयना। आगा खान फाउंडेशन की जानिब से किए जा रहे कामों की सिताइश। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।